हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोज़ाना। 2021 में पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू हो गई है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट मिल जाती है, उसी डेट में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। पासपोर्ट ऑफिस जाने टाइम में अपने साथ एक हैंड ग्लव्स, एक मास्क, सैनिटाइजर और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। पासपोर्ट ऑफिस में आपके जितने डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है और साथ ही आपका एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है, वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पे आता है और साथ ही आपका एक बायोमेट्रिक स्कैन भी कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आती है, आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आप पासपोर्ट ऑफिस में दिए थे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बट वो आपको ECR पासपोर्ट बनेगा, आपको उसमें एग्रीमेशन का चक्कर लग जाएगा। अगर आप एग्रीमेशन का चक्कर नहीं रखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगाना होगा, तब आपको ECNR पासपोर्ट बनेगा, तो आपका उसमें कोई भी एग्रीमेशन का चक्कर नहीं लगेगा। 2021 में किस तरीके से हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। मेरे तो खून में है टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। आप नया पासपोर्ट बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में ब्राउजर पे आप एम पासपोर्ट सेवा भी आप वहां से जाकर डाउनलोड करके वहां से भी आप बना सकते हैं और उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं या अपने सीधी लैपटॉप पे जाके वहां से आप ही अप्लाई कर सकते हैं। और अपने मोबाइल या लैपटॉप पे अपने ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें लिख देंगे passportindia.com.in, आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसकी वेबसाइट से ही अप्लाई करें क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको चेक कर लेना है जहां भी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वहां पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए यहां चेक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप चूज कर लेंगे पासपोर्ट ऑफिस जहां से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। इसके बाद यहां पर आप इस कैप्चा को भरेंगे, इसके बाद यहां पर चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा कि इस पासपोर्ट ऑफिस में कितनी अपॉइंटमेंट अवेलेबल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पासपोर्ट टाइप में आप देख रहे हैं पूरा, तो आप देख रहे हैं 21/11/2020 में 1000 अवेलेबल है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल के लिए तत्काल के लिए यहाँ देख रहे हैं 29/10/2020 में यहाँ 100 अवेलेबल है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो नीचे देख रहे हैं कि कितना कितना और कौन कौन से डेट में ये अवेलेबल है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप CPV पे क्लिक करेंगे, अगर आप जो कि सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए है, वरना यहाँ पर आप पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, इसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है, इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आप अपना वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे और अपने यहाँ पे ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं या नहीं तो हम इसको यस कर देंगे। इससे ये होगा कि आपका जो भी ईमेल आईडी है वही आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए ये रेड मार्क आ गया, मतलब ये अवेलेबल नहीं है तो हमको यहाँ पर दूसरा डालना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर दूसरा डाल दिया तो ये अवेलेबल है यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड को चूज कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से पासवर्ड को फिर भी कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ हिंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पर कई हिंट आंसर डाल दीजिए, जहाँ से अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यही हिंट आंसर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल करके यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड किया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि देखिए मेरा पे यहाँ पे ईमेल में एक लिंक आ गया है तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें हम अपने यूजर आईडी डालेंगे, जिसमें हम अपने ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से हम सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद आपको लॉगिन करना जो यहाँ से भी कर सकते हैं या होम पेज में जाके यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप होम में आने के बाद यहाँ पे आप यूजर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी है जो हमारे केस में है ईमेल आईडी। इसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो भी आप चूज किए थे। इसके बाद यहाँ पर आप सिंपली कैप्चा को
फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप उसको लॉगिन कर देना। अगर कैप्चा नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रिफ्रेश पे जाकर यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ सिंपली लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपको ये डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से आप पासवर्ड को सेव कर सकते हैं या नेवर भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक मेन्यू मिल जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू पासपोर्ट, तो हमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं, या यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप पीडीएफ में इसको डाउनलोड करके इसको फॉर्म को बाद में भी आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली ऑनलाइन करना, तो हम पहले वाले ऑप्शन जाकर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए, जो आप कौन से स्टेट से हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या जो आप पासपोर्ट है या इसको रीइश्यू करवाना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल या तत्काल के लिए चूज कर सकते हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि 36 पेज और 60 पेज का ऑप्शन आया हुआ है। इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम ही है। आपको जो भी चूज करना है यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देनी होगी, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, इसके बाद यहाँ अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप जेंडर चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चूज कर लें क्या आप कोई और नाम से जाने जाते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। और यहाँ पर क्या आपने अपना नेम चेंज किया, अगर किए हैं तो यस, नहीं तो नो। और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो यहाँ से आप कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं। क्या आपकी प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया की, अगर है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ डाल देनी है, आप पैदा कहाँ हुए थे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट डालनी है, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देनी है, इसके बाद यहाँ मैरिड स्टेटस डाल देना है कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है। इंडियन सिटीजनशिप आपके पास कैसे है, आप पैदा हुए हैं या आप कहीं से आए हैं या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो हम यहाँ बर्थ चूज कर लेंगे, हम यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं तो हम यहाँ के सिटीजन हैं। यहाँ पर आपके पैन नंबर डाल देना है अगर आपके पास है, यहाँ वोटर आईडी का नंबर डाल देना है अगर आपके पास है। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट डेट डाल देना है, किसी डेट में आप यहाँ पे आप काम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ। क्या आपके पेरेंट में से कोई गवर्नमेंट सर्विस है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो डाल देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, तो यहाँ से आप डाल देते, हम यहाँ डाल देते हैं ग्रेजुएट एंड अबव। क्या आप नॉन एसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ नो डालेंगे। अगर आपके पास कम से कम 10th की मार्कशीट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो डालेंगे, जिससे आपका नॉन एसीआर पासपोर्ट बनेगा। लेकिन अगर आप 10th नहीं किए हुए हैं तो यहाँ नो डालेंगे और आपका ईसीआर पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाला है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर नहीं डाला है तो यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल देनी होगी, जहाँ पर यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर फादर का लास्ट नेम डालना है, यहाँ मदर का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपका उसका लास्ट नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि लेगर ग्रेजुएट गिवन नेम आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं उसका सर नेम डालना है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं स्पोज यही का फर्स्ट नेम या मिडिल नेम डालना है, और सिंपली फिलअप करने के बाद यहाँ सिंपली वो कर देना है नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। अगर ये आउट ऑफ इंडिया का है तो यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो अब यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ नो चूज करके यहाँ पर पूरा एड्रेस इसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट का हाउस नंबर डालना है, स्टेट का नाम डालना है, कस्बे का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विलेज टाउन सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ से आप स्टेट चूज कर लेना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको कहाँ है वो चूज कर लेना है। आप जहाँ से वहाँ का पिन कोड यहाँ डालना है, आपके पास कोई भी कम्युनिटी मोबाइल नंबर होना चाहिए, इसका टेलीफोन नंबर है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत कोई ऐसी कोई देने की जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप सिंपली ईमेल आईडी दीजिए जो आपको वैलिड ईमेल आईडी है। इसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस पे कोई आपको सिंपली कर देना है। अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर आपका है तो यहाँ यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं कोई दूसरा एड्रेस तो यहाँ पर नो करेंगे, और यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना पड़ेगा जो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। अगर दोनों सेम है तो आपको यस करना है, इसका सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। तो इसको ये टर्म को एक्सेप्ट।
और यहाँ पर आप देखें कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए किसी अदर आदमी का यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा। जैसे आप कहीं है, आप मोबाइल वगैरह बंद है और आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जिसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जिसका भी नंबर दीजिएगा तो वो पर्सन इससे संपर्क कर लेगा। तो वो पर्सन का भी आपको यहाँ पर नाम दे देना है, जिससे वो अगला संपर्क कर सकता है अगर आपका कॉन्टैक्ट अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है तो सिंपली यहाँ पर उसका नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे या टेलीफोन नंबर देंगे और ईमेल आईडी डाल के यहाँ सिंपली आपको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पूछा गया है कि आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो हम नो करेंगे। वो उनके लिए है जो तिब्बतन होते हैं और जिनका कोई स्टेट नहीं होता, तो वो उनके लिए ये यहाँ पर है जिसको यहाँ पे जो ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो रहने दीजिए। अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक या कोई ऑफिशियल पासपोर्ट है तो यहाँ पर आप इसको डिटेल यहाँ से भरेंगे, लेकिन हम यहाँ डिटेल नोट अवेलेबल नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट चूज कर लेंगे। क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए पहले कभी अप्लाई किया? अगर किया है तो यस, नहीं तो हम यहाँ नो चूज कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको आपको यस नो करना है। और सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको कभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चार्ज किया गया है? अगर किया है तो यस, नहीं तो हम यहाँ से नो करेंगे। क्या अगर आपको कोर्ट से कन्विक्ट किया गया है? अगर किया गया है तो यस, नहीं तो यहाँ से नो चूज कर लेंगे। और यहाँ पर क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? अगर किए थे तो यस, नहीं तो हम यहाँ नो चूज कर लेंगे। क्या आपके पासपोर्ट को कभी भी रिवोक किया गया है? अगर किया गया है तो यस, नहीं तो हम यहाँ से नो कर देंगे। क्या आपने कभी फॉरेन कंट्री से अप्लाई पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं? अगर किए हैं तो यस, नहीं तो हम यहाँ नो चूज कर लेंगे। इसका सिंपली यहाँ हम कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए आपका पासपोर्ट कुछ प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको शो होगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पासपोर्ट नंबर रहेगा और यहाँ कंट्री कोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका नाम दिया गया है, यहाँ राष्ट्रीय, यहाँ लिंग, यहाँ जन्म तिथि आपका है। इसके बाद जन्म प्लेस आपको यहाँ हो जाएगा, जारी करने का तिथि आपको यहाँ हो जाएगा और जारी करने का स्थान यहाँ रहेगा और जारी करने की तिथि यहाँ रहेगी और समाप्त जो आपको पासपोर्ट का जो डेट एक्सपायरी डेट होता है इसका डेट यहाँ पे आपका रहेगा और नीचे यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ बर्थ, अपना बर्थ कहाँ हुआ उसका प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पे बर्थ प्रूफ में आप क्या देना चाहते हो यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड, तो यहाँ पे चले सिंपली आधार कार्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा जो भी आपके पास है। जैसे यहाँ पर हम सिंपली आधार कार्ड ही चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि आप सिर्फ आधार कार्ड से भी पासपोर्ट बना सकते हो, आपको कोई अलग से भी और डॉक्यूमेंट लेने की यहाँ पर नहीं दे सकते हो और सिर्फ आधार कार्ड से भी आप यहाँ पर पासपोर्ट बना सकते हो। नीचे आइए, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि आप यहाँ SMS सर्विस के लिए एनरोलमेंट होना चाहते हैं, अगर होना चाहते हैं तो यस, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 50 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पर आपको लगेगा और आपका स्टेटस आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आता रहेगा, जो यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी है यहाँ पर डाला हुआ है, जो आपको अपॉइंटमेंट ऑफिस में ही देना होगा। यहाँ पर आपको कोई भी 50 रुपये कट नहीं होने वाला है। अगर आप SMS अलर्ट लेना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ से नो कर देंगे। और यहाँ पर अपने गाँव कस्बे का नाम डाल दीजिए, यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ से फाइनली यहाँ को फॉर्म को सबमिट कर दीजिए या उससे पहले यहाँ पर भी अप्लीकेशन पर ओके करके यहाँ अपने अप्लीकेशन के स्टेटस यहाँ से देख भी सकते हैं। प्रव्यू से पहले अगर आप यहां पर सेव करना चाहते हैं तो सेव माय डिटेल पर क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहां पर भी ओके करेंगे और अब यहां से अपने पासपोर्ट की पूरी स्टेटस यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से पूरी पासपोर्ट की आपको स्टेटस दिखा रहा है और यहां से आप देख लीजिए। इसके बाद अगर यहां पर सिंपली यहां से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको यहां प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी यहां से कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, यहां से प्रिंट निकाल लीजिए। इसको जाके यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से जाके आप सबमिट फॉर्म पे ओके कर दीजिए तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये फॉर्म यहाँ पे अप्लीकेशन हैज बिन सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर मेरा दे रहा था सेकेंड ऑप्शन पे एंड स्कीम अपॉइंटमेंट और यहाँ देख रहे हैं कि मेरा पे अप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मेरा दे दिया गया है, जो यहाँ से आप इसको कॉपी करके इसको आप रख भी सकते हैं अपने स्टेटस को चेक करने के लिए कि आपका स्टेटस का प्रोग्रेस क्या है। यहाँ पे आपका पेमेंट करना होगा, यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको शेड्यूल ओके कर दिया जाएगा और आपको एक डेट और टाइम दे दिया जाएगा। उसी डेट और टाइम में आपको जो भी यहाँ पे फॉर्म भरे हैं वो लेके आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो यहाँ आप पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करेंगे,
पेमेंट आप किस तरह से करना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप देख रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ आप चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं जो पे इन कैश SBI ब्रांच। इसके बाद आप सिंपली ऑनलाइन वाला चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रहेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा ये पूरा समरी आ चुका है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, गिवन नेम, इसके बाद सर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ सिंपली इसको नेक्स्ट कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका अपॉइंटमेंट किस डेट में लेने वाले हैं। तो आपके पास ये देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट किस डेट में अवेलेबल है, वो यहाँ पर पूरा शो हो जाकर देख रहे हैं पूरा नीचे तक जाके। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से आप लोकेशन चूज कर लेंगे किस पासपोर्ट में ऑफिस में आप लोकेशन लेना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली ये कैप्चा को यहाँ डाल देंगे। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता तो यहाँ रिफ्रेश कर देंगे कैप्चा को। इसका जो कैप्चा आएगा यहाँ पर इसको डाल के नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको डेट आ जाएगी, आपको किस डेट में अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ से आपको मिलेगा। अगर यह आपको डेट बहुत लग रहा है कि बहुत नज़दीक बहुत जल्दी है तो यहाँ से कैलेंडर पर जाके यहाँ से अपना डेट भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैं चलिए 25 डेट डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ सिंपली पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप पे कर सकते हैं SBI नेट बैंकिंग से, यहाँ अदर बैंक से भी आप पे कर सकते हैं। इसके बाद कार्ड पेमेंट के लिए यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आया है, यहाँ से पे कर सकते हैं, या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से यहाँ पे कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ से आकर इसको पे कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अदर पेमेंट मोड UPI के भी ऑप्शन है, यहाँ UPI से भी यहाँ जाके पे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड को चूज कर लेता हूँ। अब डेबिट कार्ड चूज करने पर यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के नंबर डालने पड़ेंगे। यहाँ पर देख रही है आपको डेबिट कार्ड पूरा आ गया है, डिटेल पेमेंट मोड। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको क्या करने पर देख रहे हैं कि आपका फी जो है यहाँ पर 1500 रुपये आप लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट सेवा आपको फ्रेश है। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस का आपका पटना, इसके बाद DDO कोड नंबर है। इसके बाद सिंपली सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ सिंपली करेंगे आपको क्या कन्फर्म करने के बाद यहाँ देखिए फिर दोबारा से ये ऑप्शन आ चुका है। तो आप सिंपली यहाँ से करेंगे कन्फर्म। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1500 रुपये कटेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कार्ड नंबर का ऑप्शन, यहाँ से आप कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं, यहाँ कार्ड होल्डर का नाम, यहाँ CV भी। इसके बाद यहाँ करेक्टर डाल देंगे, कैप्चा डाल के यहाँ पर आप सबमिट कर देना है आपको पे। पे करने के बाद आपके रेफरेंस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल के यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल्ली हो जाएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करके व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं, और यहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल, पासपोर्ट का डिटेल आ जाएगा, और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इसको लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अटैचमेंट टैप में आपको क्या देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन में अभी आधार कार्ड भी चूज कर सकते हैं यहाँ से जाके। इसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल नेम ही भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद चूज करने के बाद यहाँ फाइल को सिंपली अपलोड कर देनी है। इसके बाद दूसरा अप्लीकेशन देने के लिए आपको सिंपली व्यू सेव सबमिट पर ओके कर देना है। यहाँ से एप्लीकेशन को हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपलोड टाइपिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में देना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं वो यहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड। चलिए मैं आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चूज करके सिंपली आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद फिर से हम व्यू सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्म को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपका फिर से हम अपलोड सपोर्ट डॉक्यूमेंट को ओके करेंगे। अब यहाँ से हमें अटैचमेंट यहाँ पे हम टाइपिंग कर देंगे non-ECR पासपोर्ट, non-ECR प्रूफ, जो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ECR का प्रूफ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मार्कशीट को चूज करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको अपलोड मत करिए। इसके बाद यहीं से आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं जो कि पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाती है। ये देखिए, यह है रिसिप्ट जो आपको पेमेंट करने के बाद ये आपको मिल जाती है, और यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप सबसे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप इसको यहाँ से
प्रिंट पर जाके आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से जाकर आप इसको प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। जब आप पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री करेंगे तब ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे, तो इसके बाद ही आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से 2021 में पासपोर्ट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके नीचे कॉमेंट कर दीजिए।